Hello, fifth grade. Hope you all are well, students. Today, we are going to start our worksheet third. And firstly, before moving further, you have to write your particulars upside. You can see date, name, class, right? So, now we are going to start our passage, and today's passage is up on Florence Nightingale. वॉज वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी और इन्हीं के ऊपर आज का पैसेज है हमारा द पिक्चर इज हियर यू कैन सी ऑफ फ्लोरेंस तो फ्लोरेंस नाइटिंगल वॉज बॉर्न इन टू अ रिच फैमिली इन इंग्लैंड इन एटीन ट्वेंटी फ्लॉरेंस का जो जन्म हुआ था शी वॉज बॉर्न इन अ रिच फैमिली इन इंग्लैंड ओके शी वॉज बेसिकली बिलोंग फ्राम इंग्लैंड इन एटीन ट्वेंटी वेन फ्लोरेंस वॉज अ यंग गर्ल शी फाउंड दैट शी फेल्टेपी हेल्पिंग द पुअर एंड निडी वैन शी वॉज यंग गर्ल वैन शी वॉज इन ग्रोइंग एज शी फाउंड उसने ये पाया अपने अंदर खुद के अंदर कि दैट शी फेल्टप्पी वो खुद को खुशी महसूस करती है अपने अंदर जब वो हेल्प करती है पुअर एंड निडी पीपल की निडी मीन्स जरूरतमंद लोगों की पुअर मीन्स गरीब लोगों की सो देट टाइम शी फेल्टप्पी फ्लोरेंस ग्रू एंड वॉज सिक्सटीन ईयर्स ओल्ड वन हर फादर एंड मदर

बट फ्लोरेंस वॉन्टिड टू वर्क एज अ नर्स बट फ्लोरेंस जो थी शुरू से ही उनका नेचर था शी हैप्पी हेल्पिंग पुअर एंड निडी पीपल सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्लोरेंस वॉन्टिड टू वर्क एज अ नर्स वो चाहती थी एज अ नर्स काम करना जैसे हॉस्पिटल में नर्स होती हैं फ्लोरेंस फैमिली ट्राइड एवरी थिंग टू स्टॉप हर बट फ्लॉरेंस डि नॉट लिसन फ्लॉरेंस की फैमिली ट्राइड एवरी थिंग टू स्टॉप हर उसको रोकने के लिए बहुत कुछ किया सब कुछ किया बट फ्लॉरेंस डिड नॉट लिसन लेकिन फ्लोरेंस ने अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनी तो फाइनली दे एग्रीड टू लेट हर गो फाइनली हर पेरेंट्स एग्रीड ओके यू कैन गो यू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू नाउ यू कैन डू देट फ्लोरेंस गॉट ट्रेंड एज अ नर्स इन जर्मनी एंड केम बैक टू लंदन फ्लोरेंस गॉड ट्रेंड फ्लोरेंस ने जो ट्रेनिंग ली नर्स की वो जर्मनी से ली एंड केम बैक टू लंदन आफ्टर हर ट्रेनिंग इन 1853 फ्लोरेंस वाज़ फ्लॉरेंस आस्क टू गो टू द क्रीमिया टू हेल्प द वाउंडेड सोल्जर्स वाउंडेड मीन्स इंजर्ड घायल सोल्जर्स मीन्स सिपाही सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एटीन फिफ्टी थ्री एंड दैट टाइम फ्लोरेंस वॉज आस्कड टू गो टू क्रीमिया कि वो क्रीमिया में जाए टू हेल्प द वाउंडेड सोल्जर्स किन की हेल्प करने के लिए जो सोल्जर्स इंजर्ड हैं उनकी हेल्प करने के लिए तो फ्लोरेंस वेंट विद अ ग्रुप ऑफ थर्टी एट नर्सेस फ्लॉरेंस डि नॉट गो अलॉन विद फ्लॉरेंस थर्टी एट नर्सिस ग्रुप था इनका पूरा वो भी गई थी द हॉस्पिटल वॉज अ डर्टी बिल्डिंग एंड द हॉस्पिटल वॉज कम्प्लीटली अ मैस प्लेस बहुत मैसी प्लेस था डस्टी प्लेस था देर वर रेट्स रनिंग अराउंड फ्लॉरेंस एंड हर बैच ऑफ नर्सिस क्लीन द हॉस्पिटल फर्स्टली फ्लोरेंस एंड हर बैच द ऑल टूगेदर क्लीन द हॉस्पिटल द सोल्जर्स एट द हॉस्पिटल एडमायर्ड फ्लॉरेंस नाई थिंग फॉर हर केयरिंग नेचर एंड लव दोल्जर्स दोज वर इंजर्ड सबने फ्लॉरेंस की प्रशंसा की एडमायर मींस प्रशंसा करना फॉर हर केयरिंग नेचर कि कितना केयरिंग नेचर है कितना लविंग नेचर है फ्लॉरेंस का तो वैन फ्लॉरेंस रिटर्न टू ब्रिटेन एवरीबडी हेल्ड हर वैन शी रि रिटर्न शी केम बैक तो एवरीबडी हेल्ड हेल्ड मींस ग्रीटेड हैप्पली तो एवरीबडी ग्रीटेड हैप्पली हर एक इंसान ने खुशी से उसका स्वागत किया ग्रीट किया द फ्लॉरेंस शॉट एंड टॉट द वर्ल्ड हाउ टू केयर फॉर द वाउंडेड एंड सफरिंग हियर फ्लॉरेंस टॉट अ लेसन टू द होल वर्ल्ड दैट हाउ टुक केयर फॉर द वाउंडेड किस तरह से केयर करनी चाहिए जो लोग इंजर्ड होते हैं या जो लोग सफर करते हैं बैड सिचुएशन से जैसे कि पुअर लोग हैं दे ऑलमोस्ट सफ़र फ्रॉम द बैड सिचुएशंस राइट सो किस तरह से हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए हियर द फ्लॉरेंस फ्लॉरेंस इज टीचिंग एज द लेसन

शी गॉट हैप्पीनेस by हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी पीपल जब वो लोगों की हेल्प करती थी जो नीडी होती थी जो पुअर होती थी तो उससे उसे खुशी मिलती थी थर्ड हर पेरेंट्स एनकरेज हर टू अटैंड ब्लैंक हर पेरेंट्स एनकरेज हर टू अटेंड पार्टीज बट शी ब्लैंक बट शी वॉन्टेड टू बी अ नर्स क्योंकि वो तो नर्स बनना चाहती थी है ना नेक्स्ट पार्ट इज हियर डी पार्ट she came back to london after blank she came back to london after training here you can see after training in the last line you can see here she came back to london after training okay next part is here e her फर्स्ट असाइनमेंट जो उसका फर्स्ट टास्क था वोज ब्लैंक क्या था टू गो टू क्रीमिया कि वो क्रीमिया में जाए विद अ ग्रुप ऑफ थर्टी एट सोल्जर्स नेक्स्ट पार्ट रीड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वट प्रोफेशन डिड फ्लोरेंस चूज एंड वाई शी चूज टू बी अ नर्स एंड हेल्प पुअर एंड निडी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है वाई तो वाई का आंसर साथ में है बेटा हेल्प पुअर एंड निडी

अपनी उम्र के लोगों से मिले अपनी उम्र के बच्चों से वो मिले ओके सी पार्ट हाउ वॉज शी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स हियर as we have discussed in the passage that Florence was totally different girl. जिस उम्र में वो थी बच्चे मस्ती करना पसंद करते हैं but she was totally different from others. She was different as she did not want to meet rich people but poor people. इस तरह से वो अलग थी कि वो rich people से मिलना पसंद नहीं करती थी यहाँ पर वो पुअर पीपल से मिलना मिलना पसंद करती थी एज शी वॉज़ इन द एज की बच्चे या तो अपनी इस एज में मस्ती करते हैं या अपने स्टेटस के लोगों से बात करना पसंद करते हैं बट शी डिनाइड एवरी थिंग सब कुछ इसने यहाँ पर डिनाइड किया क्योंकि उसे क्या करना पसंद था शी जस्ट लाइक टू हेल्प पुअर पीपल ओके सो शी वॉज टोटली डिफरेंट डी पार्ट फ्टर हर ट्रेडिंग सेंट मीन्स भेजा कहां भेजा गया था एंड वॉट डिड शी डू देयर और वहां उसने क्या किया टेलमे बेटा क्रीमिया राइट शी वेंट शी वॉज सेंट टू क्रीमिया टू टेक केयर ऑफ सोल्जर्स शी क्लीन द हॉस्पिटल क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है एक और आपसे दैट व्हाट डिड शी डू देयर एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया वेयर वॉज शी सेंट आफ्टर हर ट्रेनिंग राइट सेकेंड क्वेश्चन आपका ये है वॉट डिड शी डू देयर वहां उसने क्या किया शी क्लीन द हॉस्पिटल एंड टूक ग्रेट केयर ऑफ दैम और उनकी बहुत देखभाल की किन की दैम यहाँ किसके लिए यूज हुआ है वी आर यूजिंग दैम हियर फॉर सोल्जर्स वर इंजर्ड ओके स्टूडेंट्स ई पार्ट नेक्स्ट वाई डिड द सोल्जर्स एडमायर हर

Nurse. Okay, beta. So, this was our passage. Now, next part, B part is here, and which is given in the form of poem Butterfly. You have to try it. Thank you. Bye bye.